तो दोस्तों YouTube पर मेरे पिछले वीडियोस को आपने बहुत प्रेम दिया, बड़ी पॉजिटिव एप्रिसिएशन दी, उसके लिए सबसे पहले मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कहानियाँ, स्टोरीज, कविताएँ, वो सब शेयर करने के बाद आज मैं आपके सामने अपनी लाइफ की कुछ पर्सनल स्टोरीज शेयर करने वाला हूँ। भारत वापस आने से पहले मैं लगभग 5 देशों में रहा। मान लीजिए हर कंट्री में जैसे एक नई शुरुआत करने के बराबर था। जीवन के उसी सफर में बहुत कुछ सीखा और उन्हीं लेसन्स को, उन्हीं लाइफ लेसन्स को छोटे वीडियोस में कन्वर्ट करके मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी एक ही इंटेंशन है कि शायद इन चीज़ों में से आपको कहीं प्रेरणा मिले, कहीं कुछ लाइफ लेसन्स मिले। एलेनोर रूजवेल्ट, आई थिंक ये उनकी कहावत है, हु सेड लाइफ इज टू शॉर्ट टू मेक ऑल द मिस्टेक्स बाय योरसेल्फ, देयरफॉर यू मस्ट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर पीपल। मेरी आशा है आप मेरी मिस्टेक्स से और आप मेरी कुछ सही कही गई चीज़ों से भी कुछ सीखेंगे। तो ये पहला इंसिडेंट दोस्तों सिडनी ऑस्ट्रेलिया का। द ईयर इज 1999 और मैं एक यंग होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट स्टूडेंट इंडिया से अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए सिडनी ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने के 10 दिन पहले मैं वहां सिडनी पहुंच चुका था। पहला दिन मुझे सिर्फ आसपास देखने में और उसको अब्सॉर्ब करने में, अपनी नई सराउंडिंग्स में लग गया। दूसरा दिन टीवी देखने में निकल गया। तीसरे दिन तक मैं बोर होना शुरू हो गया और दोस्तों बोर्डम बहुत बुरी चीज़ होती है। मेरा मानना है दुनिया में सारी गैम्बलिंग, सारी अल्कोहल, सारे डिप्रेशन का रूट कॉज है बोर्डम। सो तीसरे दिन जैसे मैं बोर होना शुरू हुआ, मैंने देखा वो जो जिन लोगों के साथ मैं रह रहा था, ये पंजाब के गांव से आए हुए कुछ लड़के थे जो बड़े मेहनती लड़के थे, वेरी हार्ड वर्किंग गाइस, वो जब वहाँ सेटल थे तो वो सुबह तैयार होकर अपने जॉब्स पर जा रहे थे। तो एक लड़का जो जा रहा था, मैंने उसे पूछा, भाई आप कहाँ जाते हो और क्या जॉब करते हो? सो ही टोल्ड मी, सिमर मैं कार वॉश करता हूँ सिडनी कार वॉश कैफे में। तो मैंने उसका पूछा, भाई वो क्या होता है, जैसे इंडिया में कार वॉश होती है वैसे होता है? नहीं, उसने बताया कि सिडनी कार वॉश कैफे एक ग्लास का बना हुआ कैफे है जहाँ जो लोग आकर अंदर दे कैन हैव देयर कॉफी एंड टी एंड दे कैन वॉच वाइल देयर कार्स आर बीइंग वॉश्ड आउटसाइड। मैंने कहा आप जहाँ काम करते हो कितने पैसे मिलते हैं? तो ही सेड $12 और टैक्स काट के $10 पर आवर। दिन में 8-9 घंटे काम करने के बाद, यू नो, यू आर मेकिंग $80-$90, दैट्स प्रीटी गुड। तो मैंने उससे पूछा, आपके कार वॉश कैफे में और लोगों की जरूरत है? तो सर पता नहीं यार, पूछ के आऊंगा, जरूरत हमेशा होती है बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। हर शख्स के काम, हर शख्स ये काम नहीं कर सकता, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो आई कम बैक एंड लेट यू नो टुमारो। सो अगले दिन वो दोस्त वापस ना सिर्फ एक टेम्पररी जॉब ऑफर लेके आया मेरे लिए, बट साथ में वो यूनिफॉर्म भी ले आया जो पहनकर मुझे कार वॉश पर जाना था। दोस्तों अहम है कि मैं आपसे ये चीज यहां शेयर करूं, जीवन में कुछ काम ऐसे होंगे विच यू डोंट हैव टू डू, वो करना लाजमी नहीं है। मैंने इस जॉब को हां बोला, मुझे हां बोलना लाजमी नहीं था, जरूरी नहीं था। माय पेरेंट्स कुड अफोर्ड माय एजुकेशन एंड माय लिविंग एक्सपेंसेस, पर उस समय पर ही आपको यह सोचना है कि हां, यह काम मेरे लिए लाजमी नहीं है, पर आई डोंट हैव टू डू दिस, but I choose to do this. I didn't have to sign up for that job, but I chose to sign up for that job. और जिन चीजों जो आपके करने के लिए कंपलसरी नहीं है, जब आप उनको yes कहते हैं, वही चीजें हैं जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेंगी। एक्सरसाइज करना कंपलसरी नहीं है, बट इफ यू चूज टू डू इट, यू विल गेट द बेनिफिट। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना जरूरी नहीं है, पर करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सेम वे मेडिटेशन, नॉलेज अपग्रेडेशन, सो मेनी थिंग्स। सो आई डिड नॉट हैव टू डू दिस कार वॉश जॉब, बट आई डिसाइडेड टू डू इट जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ इट। तो अगले दिन मैं भी वो यूनिफॉर्म पहन के वहां पर सिडनी कार वॉश कैफे में पहुंच गया। लगभग 1-1.5 घंटे की बस जर्नी कवर करने के बाद, इंडिया में कभी अपनी गाड़ी नहीं धोई थी, और आज यहाँ जो कार वॉश में एक रिवाज था कि पहले दिन जो शख्स आ रहा है उसको सबसे मुश्किल जॉब पर लगाया जाता था, और ये जो काम था ये टायर्स क्लीन करने का था। सो झुक कर सारा दिन टायर्स को क्लीन करना था। वो 10 घंटे की जॉब के बाद रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा कंधा और मेरी बैक की बुरी हालत थी। बट जैसे तैसे करते मैं अगले दिन फिर वहां पहुंचा। जैसे जैसे तीन चार दिन ये मैं अपने काम को अच्छे से करता गया, मैंने अपने काम को एज अ प्रॉब्लम नहीं देखा, एज अ चैलेंज देखा। एंड दिस इज व्हाट आई रिक्वेस्ट यू टू डू ऑल्सो, व्हेन यू फेस चैलेंजेस इन लाइफ, डोंट लुक एट देम एज प्रॉब्लम्स, उनको मुसीबतों की तरह मत देखें, लुक एट देम एज चैलेंजेस, कि जीवन के इस दंगल में ये एक और मुसीबत है और मुझे इसको हराना है और एंजॉय करना है इन द प्रोसेस। सो बड़ी दिलचस्प चीज ये हुई कि क्योंकि मैं अपने काम को बड़े एंजॉय करके उस ढंग में कर रहा था, डे बाय डे माई जॉब स्टार्टेड गेटिंग ईजियर।
जो मैनेजर था वहाँ का, उसने मुझे रिलेटिवली ईजियर जॉब्स देता गया, और बाय द सिक्स और सेवन डे आई वॉज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ डीलिंग विद कस्टमर्स एंड द कैश रजिस्टर एंड अदर थिंग्स। दोस्तों ये 7-8 दिन सिर्फ मैंने जॉब की मेरी यूनिवर्सिटी शुरू होने से पहले, और उस 7-8 दिन में मैंने जो $600-700 कमाए, जितने भी पैसे कमाए, वो सिर्फ ये पैसे के बारे में नहीं है। दिस इज़ नॉट अबाउट मनी। साइकोलॉजिस्ट टॉक अबाउट अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन दिस इज कि ये ऐसी एक फीलिंग है जो ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे पावरफुल है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, और अब नहीं तो कब। और यही परिस्थिति मेरे सामने थी कि अब अगर इस चीज़ को मैं नहीं कर सका तो मैं कब करूँगा। When will I prove to myself that I can support myself? मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स दो कैटेगरीज में होंगे। कैटेगरी वन, यंगस्टर्स ऐसे जिनके हालात ऐसे हैं कि उनको स्ट्रगल करना ही करना है, देयर इज नो ऑप्शन। कैटेगरी टू, यंगस्टर्स ऐसे जो बिल्कुल सुखी जीवन जी रहे हैं, जिनको सब कन्वीनियंसेस मिली हैं। कैटेगरी वन को मेरा मैसेज ये है कि आप प्लीज अपनी लाइफ को एज अ प्रॉब्लम मत देखें। किसी शायर ने खूबी लिखा है दोस्तों कि जिंदगी उस्ताद से ज्यादा सख्त होती है। जिंदगी उस्ताद से ज्यादा सख्त होती है। उस्ताद पहले सबक देता है फिर इम्तिहान लेता है। जिंदगी पहले इम्तिहान लेती है फिर सबक देती है। तो आप जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो यही सोच के चलें, ये एक इम्तिहान है और इसका सबक मुझे मिलने वाला है बाद में, जो मुझे सारी उम्र, तमाम उम्र मुझे याद रहेगा। मेरे दूसरी कैटेगरी के व्यूअर्स वो आर लीडिंग वेरी कंफर्टेबल लाइव्स, वो बीन ब्लेस्ड विद एवरीथिंग एंड योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग यू विद एवरीथिंग। माई मैसेज टू यू इज दिस, आप अपने आप को खुद ब खुद कंफर्ट जोन से बाहर पुश करें। दोस्तों किसी भी व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ उसकी कंफर्ट जोन के दायरे में नहीं हो सकती। उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना लाजमी है। तो ये जो कारवास का छोटा सा इंसिडेंट था, मेरे साथ एक दो स्टूडेंट्स और भी आए थे उसके बाद होटल स्कूल में, मैंने उनको भी इनकरेज किया कि आप भी ये करें। और आज दोस्तों ये 18 years ago ये 18 साल पुरानी एक जो इंसिडेंट आपसे शेयर कर रहा हूं, और आज भी हम सारे दोस्त जब मिलते हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफी और समथिंग, हम ये सब बड़े फॉन्डली, बड़ी खुशी के साथ ये मेमोरीज रिकलेक्ट करते हैं। आपकी आज की कठिनाइयां कल की कहानियां बनेंगी, ये जरूर याद रखिएगा। आज की कठिनाइयां कल की कहानियां बनेंगी, और जीवन इस ढंग से जिए कि कल को जब आप बूढ़े हो जाएं तो आपके पास कुछ कहानियां तो हों टू शेयर विद योर ग्रैंड किड्स। सो दिस इज माई कलेक्शन ऑफ स्टोरीज ऑफ लाइफ इंसिडेंट्स। तो सिडनी कार वॉश कैफे की इस स्टोरी से, इस पर्टिकुलर लाइफ इंसिडेंट से, मैं आपसे यही चीज इन समरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, दैट योर ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट यू आर लुकिंग फॉर इन योर लाइफ, हर अपॉर्चुनिटी जो आप ढूंढ रहे हैं शायद आपके आसपास ही है। शायद आपको अपनी सोच बदलने का, अपना एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। कई बार हम इस चीज में काफी रुक जाते हैं, इस डर से काफी रुक जाते हैं कि आई थिंक ये किसी ने फेसबुक पर ही लिखा था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अरे लोगों की परवाह मत कीजिए। मैं इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं कि समंदर में फना होना तो किस्मत की कहानी है। मुझे दुख तो उन पर आता है जो किनारों पर दम तोड़ते हैं। तो किनारों पर दम नहीं तोड़ना है, जंप इन टू द ओशन ऑफ लाइफ, इन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, बिकॉज दैट इज वॉट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। आप इन्हीं मुश्किलों का सामना करते करते ही स्ट्रांग बनेंगे, और लाइफ की हर एक प्रॉब्लम, हर एक टेस्टिंग सिचुएशन, हर एक स्ट्रगल आपको कॉन्ट्रीब्यूट करेगी टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। More stories are coming, so stay tuned.